हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हेयर स्पा के ऊपर है। मैं आपको बताऊंगी कि हेयर स्पा कैसे किया जाता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हेयर स्पा क्या होता है। हेयर स्पा क्या करता है, हमारे जो हेयर्स होते हैं उनमें लस्टर प्रोवाइड कराता है। जैसे हमारे बालों में आपने देखा होगा कि रफनेस आ जाती है एकदम, या ड्राई डैमेज हेयर हो जाता है, या हमारी स्कैल्प पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करने का काम करता है। मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देती हूँ कि किस किस प्रॉब्लम में ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है और हमें कब कब हेयर स्पा करवाना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या रहती है, ब्रेकेज प्रॉब्लम, जब हमारा बाल बीच में से टूटने लग जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि हेयर मतलब स्कैल्प पे से ना निकल के हमारा हेयर बीच में से ब्रेक होने लग जाता है, या ब्रेकेज दिखते भी हैं वो छोटे छोटे बाल अलग से। तो उनको अगर हम हेयर स्पा कराएं तो वो प्रॉब्लम हमारी रिमूव हो सकती है। सेकंड हमारी प्रॉब्लम रहती है हेयर फॉल की प्रॉब्लम। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सबको रहती है कि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए भी हमारी हेयर स्पा थेरेपी बहुत अच्छी है। ये आप सैलून में जाके करवा सकते हैं। डल एंड ड्राइनेस, जब हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा डल और ड्राई हो जाते हैं तब हेयर स्पा वर्क करता है, अपना रफनेस को रिमूव करता है। फिर हमारी प्रॉब्लम होती है स्कैल्प ड्राई एंड इचिंग। जब हमारे स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है हमारे स्कैल्प पे, तो उससे क्या होता है, हमें इचिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये उधर भी जाके अपना वर्क अच्छे से करता है, स्कैल्प के पास भी। इसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम होती है स्लो हेयर ग्रोथ। ये बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे हेयर्स ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग हेयर स्पा की सिटिंग्स टाइमली लेते हैं तो हेयर ग्रोथ में भी वह अपना काम अच्छे से करता है और हेयर ग्रोथ भी होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट भी होता है हेयर स्पा में, तो वो भी ले सकते हैं हम लोग। और जिनके केमिकल ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, जैसे जिन्होंने रिबॉन्डिंग कराई हो, कलरिंग कराई हो, स्मूथनिंग, पमिंग, ऐसी कोई भी सर्विस ली हो, तो उनको भी, उन हेयर्स को भी माइल्ड करने का वर्क ये करता है, ड्राइनेस को रिमूव करता है। कलरिंग वाले हेयर्स के लिए भी हेयर स्पा होता है। तो आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से अगर आपको लगता है कि हम इस ऐसी प्रॉब्लम से हैं कि हमें इसको रिमूव करना है, तो हमें हेयर स्पा की सिटिंग लेनी चाहिए। तो प्रोसीजर मैं आज आपको बताऊंगी हेयर स्पा का क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हेयर स्पा कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़े से स्पा भी आपको शो कर देती हूँ कि कौन कौन से होते हैं जिनका हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे पास जो अभी अवेलेबल है वो है वेला ब्रांड का इनविगो हेयर स्पा। ये डीप नरिशिंग मास्क होता है। इससे क्या होता है, जो ड्राइनेस होती है हेयर्स में, जो केमिकली ट्रीटेड हेयर होता है, ये उन पर अच्छा वर्क करता है। इस तरह से हमारे पास हेयर स्पा होता है रिपेयरिंग क्रीम बाथ हेयर स्पा लॉरियल ब्रांड का। ये भी अपने जो जैसे जो ड्राई डैमेज हेयर है उनको रिपेयर करने का वर्क करता है। मैट्रिक्स ब्रांड का ये हेयर स्पा है बायोलेज का। ये कलरिंग हेयर्स के काम आता है, जिनके कलर्ड हेयर्स हो उन पे अपना वर्क करता है। ये केमिकली ट्रीटेड जो हेयर हैं जिनमें फ्रिजीनेस है बहुत ज़्यादा बाल में, केमिकली ना भी होगा फ्रिज बहुत ज़्यादा है, ड्राई बहुत ज़्यादा है, मैट्रिक्स का स्मूथ प्रूफ स्पा क्रीम है, इसको भी हम लोग यूज़ में लेते हैं। और ये केमिकल हेयर्स के लिए आता है, जिन्होंने रिबॉन्डिंग कराई हो बालों में या स्मूथनिंग कराई हो, उनके लिए ऑप्टिका आता है हेयर स्पा हमारा। और ये एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट होता है, जब हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो तो ये हम स्पा के संग इंक्लूड करते हैं। तो आज का जो मैं वीडियो आपके संग शेयर करूँगी हेयर स्पा के प्रोसेस का, वो हम लोग करेंगे वेला ब्रांड से, जो ड्राई हेयर के लिए है, जो फ्रिजीनेस को रिमूव करेगा हेयर्स में से। तो इसका मैं डेमो दूंगी आज आपको, तो आप अच्छे से देखिएगा और उसको अगर आपको समझ आए तो आगे भी शेयर करना है उसको, और आपको खुद को भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हेयर स्पा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने पार्टिंग करके सेक्शन बाय सेक्शन कॉटन से हम लोग ऑयलिंग करेंगे, पहले स्कैल्प पे लगाना शुरू करेंगे। ऑयलिंग की मैंने अलग वीडियो भी डाली हुई है, तो अगर आपको वो वीडियो चेक करनी हो तो आप कर सकते हैं, उसमें पूरे स्टेप्स बताए हुए हैं कि कैसे हम ऑयलिंग करेंगे। इस तरह छोटे छोटे सेक्शंस लेके हम लोग हर जगह ऑयल को कॉटन से लगाएंगे। इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लगता, नॉर्मल जितना चाहिए उतना ही जाता है स्कैल्प के पास, और सब जगह अच्छे से ऑयल लग जाता है।
अब हम लोग हेड मसाज करेंगे। टेन टू फिफ्टीन मिनट की हम लोग हेड मसाज देंगे पहले ऑयल से। प्रेशर पॉइंट्स के साथ हेड मसाज को करेंगे। फ्री हैंड मसाज भी करेंगे ताकि जो ऑयल है वो हर जगह अच्छे से चला जाए। ये सब रिलैक्सिंग पॉइंट्स हैं, इनको आप अच्छे से देखिएगा। ये हम लोग जो स्टेप्स कर रहे हैं इससे ऑयल का एब्जॉर्बेशन होता है अंदर तक अच्छे से। हेड मसाज कंप्लीट होने के बाद हम लोग शोल्डर्स पे और बैकबोन पे प्रेशर पॉइंट्स देंगे।
रिलैक्सिंग मसाज फॉर फोरहेड एंड आईज आईब्रोज। अब शावर कैप लगा के हम लोग 4 to 5 मिनट की स्टीम देंगे। स्टीम ज़्यादा देर भी देना चाहें तो दे सकते हैं। स्टीम देने के बाद हम लोग जो हेयर सन को रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे पहले, उसके बाद हमारा फर्स्ट हेड वॉश स्टार्ट होगा। हल्की सी मसाज करके जो हेयर सन को हम रूम टेम्परेचर पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्म होंगे तो हमें उस समय हेड वॉश नहीं करना। जब ये नॉर्मल हो जाएंगे हेयर्स का जो टेम्परेचर है, फिर हम लोगों को इनको फर्स्ट वॉश देना है। हम हेयर्स पे 2 टाइम वॉश करेंगे, क्योंकि ऑयलिंग हुई हुई है तो 1 वॉश में नहीं निकलता, इसलिए हम लोग 2 टाइम वॉश करेंगे। फर्स्ट वॉश हमारा स्कैल्प वॉश रहेगा एंड सेकंड हेयर्स पे रहेगा। वॉश कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने जो स्पा क्रीम थी वेला की, वो एक बाउल में ले लेंगे स्पैचुला की हेल्प से। अब हेयर्स को टैंगल फ्री करने के बाद हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन स्पा क्रीम को अप्लाई करेंगे। हल्का सा ब्लो ड्राई कर देंगे ताकि बहुत ज़्यादा पानी ना रहे बालों में। स्कैल्प के पास से लेते हुए लेंथ तक हम लोग अच्छे से मसाज करेंगे हर सेक्शन की।
इस तरह हर जगह क्रीम एप्लीकेशन करने के बाद हम लोग सेक्शन क्लिप लगा के बालों पे शावर कैप लगा के दोबारा से एक बार स्टीम का प्रोसेस करेंगे। ये भी हम 5-10 मिनट दे सकते हैं स्टीम। स्टीम का टाइम कंप्लीट होने के बाद हम लोग शावर कैप हटा के बालों में थोड़ी देर मसाज देंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक बार बालों को अच्छे से वॉश कर लिया है। बाल वॉश करने के बाद हमने क्लाइंट के सीरम लगाया है। सीरम लगा के अब हम इसको जो मीडियम हीट पे ड्रायर करेंगे। हीट को अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको देर हो रही है, कहीं जाना है, तो हम लोग मीडियम हीट पे बालों को ब्लो ड्राई करके दे देंगे कस्टमर को। मास्क लगाने के बाद अच्छे से वॉश करके उस मास्क को निकाल देना है हम लोगों को। इस तरह हमारा आज का वीडियो हेयर स्पा का कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।